हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है जॉब्स एंड लर्निंग पे। दोस्तों, आज के इस इंफॉर्मेशनल वीडियो में हम बात करेंगे SIT के बारे में कि SIT क्या होता है और इसे क्यों गठित किया जाता है। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं या आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और आइए अब शुरू करते हैं आज का ये इंफॉर्मेशनल वीडियो। तो दोस्तों, SIT का मतलब होता है स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम। आम तौर पर अगर देखा जाए तो SIT का गठन सुप्रीम कोर्ट द्वारा किया जाता है और इसमें जो रिटायर्ड जज होते हैं उनके साथ साथ कुछ विशेषज्ञ भी रखे जाते हैं। ये एक ऐसी विशेष जांच एजेंसी माना जाता है जो किसी भी प्रेशर में, किसी भी दबाव में आए बगैर हाई प्रोफाइल मामलों या फिर लोगों के खिलाफ जाँच का काम कर सकती है। पिछले कुछ सालों में सुप्रीम कोर्ट ने कई ऐसे मामलों में SIT का गठन किया है, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है कि SIT का गठन सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट द्वारा ही किया जा सकता है, बल्कि राज्य या केंद्र सरकार भी SIT का गठन कर सकते हैं। तो आगे हम जानने की कोशिश करेंगे कि SIT काम कैसे करती है। तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट या राज्य सरकार द्वारा बनाए गए विशेष जांच दल में, जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि अवकाश प्राप्त जज जो होते हैं उनको नियुक्त किया जाता है, जो इस विशेष जांच दल की अगुवाई करते हैं। वो अकेले भी इस काम को कर सकते हैं या फिर उनके साथ कुछ सदस्यों को भी नियुक्त किया जा सकता है। ये विशेष जांच दल अधिकार संपन्न होते हैं। इनकी जांच में कोई भी जो है हस्तक्षेप करने का अधिकार किसी के पास नहीं होता है। ये दल जो है वो जांच एजेंसियों और प्रशासन के साथ जांच के मामलों में सूचनाओं का आदान प्रदान कर सकती है। और आगे हम जानते हैं दोस्तों कि ये जो SIT है, जांच के बाद जो SIT की टीम है वो क्या करती है। तो SIT एक तय समय में, जो उनको समय सीमा दी जाती है, उसके तय समय में जांच पूरी करती है, जिसके बाद रिपोर्ट जो है वो कोर्ट में पेश की जाती है। अगर SIT का गठन राज्य सरकार ने किया है तो ये रिपोर्ट सरकार को सौंपी जाएगी और कोर्ट या सरकार को इस रिपोर्ट को स्वीकार या नामंजूर करने का अधिकार होता है। कई बार सुप्रीम कोर्ट अपनी बनाई SIT की निगरानी भी करता है कि ये निष्पक्ष रूप से जांच कर रही है या नहीं, या फिर समय समय पर उनसे रिपोर्ट मांगता रहता है कि आपकी जो जांच चल रही है उसमें क्या प्रोग्रेस है, अभी तक आपने क्या कुछ जाँच के थ्रू जो है आपको क्या इन्फॉर्मेशन मिला है। तो ये जो है कोर्ट और जांच टीम के बीच में ये आदान प्रदान होता रहता है। अब आगे बात करते हैं दोस्तों कि किन चर्चित मामलों में SIT का गठन हुआ है। तो पिछले कुछ सालों में कई बार सुप्रीम कोर्ट ने SIT का गठन किया है, चाहे वो काला धन का जांच का मामला हो या फिर IPL फिक्सिंग तक में जो है सुप्रीम कोर्ट ने विशेष जाँच दल यानी कि SIT का गठन किया था। यही नहीं दोस्तों, 2006 में जो गुजरात दंगों के बाद भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर SIT यानी कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन हुआ था। एंड दोस्तों, जब SIT अपनी जांच पूरी करने के बाद कोर्ट में रिपोर्ट पेश करती है तो कोर्ट चिन्हित किए गए व्यक्तियों या संस्थाओं पर कानूनी कार्रवाई जो है वो शुरू कर सकता है। तो दोस्तों, आज के इस शॉर्ट इन्फॉर्मेशनल वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।